What's up boys, welcome back to another gameplay video of Slug It Out 2, जिसमें हम पिछले वाला चैलेंज ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें मैं रेड ब्लू ग्रीन और येलो कलर के स्लगी यूज़ कर सकता हूँ। रेड वाली वीडियो हो चुकी है, उसे आई बटन दे दूँगा, देख लेना। तो अभी ब्लू वाले स्लग्स को हम यूज़ करने वाले हैं, सिर्फ ब्लू कलर, जिनकी बॉडी है वो 50% से ज़्यादा ब्लू कलर की है। तो इसमें एक एनिग्मो यूज़ करेंगे हम और एक फ्लॉस कॉलर, और अभी देखते हैं और कौन सा स्लग यूज़ करेंगे। मैंने स्लग बनाई नहीं अभी टीम, एक्वाबीक का सोच रहा हूँ, एक्वाबीक या टेजरलिंग देख सकते हो। टेजरलिंग ब्लू कलर का ही है वैसे तो पूरा ही, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। येरा टेम्पलिंग के बीच में फंसा हुआ है। और लास्ट स्लग एक्वाबीक या ये वाला, आपका भी की ठीक रहेगा क्योंकि क्लासिक सारे स्लग हो जाएंगे। थोड़ा रैंडम है, पर रैंडम रह गया, इससे मुश्किल हो जाएगा और चैलेंज, क्योंकि पिछले वाला इजी था, पूरे 8 के 8 पिंस मिल गई थी, 8 पॉइंट्स थे सारे। इसलिए अब ट्राई करेंगे कि थोड़ा हार्ड हो जाए चैलेंज। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। वही पिछली बार की तरह 5 डुअल 3 बॉस बैटल। पहला स्मोक, इससे बैटल करनी होगी, और इस बार हर टाइल भी ब्लू कलर की है, बस एक टेजर लिंक की येलो है, और टेजर लिंक मेगामॉर्फ है तो उससे और हेल्प हो सकती है। और इस बार एक अच्छी बात है कि हमारे पास एक डिफेंसिव स्लग भी है जो है फ्रॉस्टर। तो अब एक फ्रॉस्ट ब्लाइट छोड़ देते हैं डिफेंस के लिए, एक शील्ड बन गई, एनिमो चार्ज हो गया, उसे छोड़ देते हैं, फिर उसके पीछे एक्वा भी टेजर भी चार्ज हो ही गया बस, और फ्लॉस्ट कर भी, ये ग्रेनेड भेजे जा रहे हैं, ग्रेनेड हो गया, डिफेंस टेजरिंग हो गया था, इसे शूट कर दिया उसे, एक मोबी चार्ज होने वाला, फ्रॉस्ट कलर की बस थोड़ी सी बची है जो हो गई बस। अब एक और शील्ड बन गई, पर उसने काउंटर कर दिया फ्रॉस्ट कलर को दो स्पाइक से। ये जल्दी हो जाएगा, ये हो गया टेजरिंग, जल्दी से हो गया चार्ज, एनिमो भी चार्ज हो गया, क्रॉस करो दोबारा चार्ज हो ही गया बस। वेस्ट हो गया, वेस्ट उसको काउंटर करना पड़ा फैकल्टस को एक्वाबीक से। टेजरिंग को शूट करते हो, ऐसा तो गेम ओवर इसका। यस 700 डैमेज, 600 चाहिए था, तो एक बैटल देन 4 डोर बैटल और करनी है, और 3 बॉस बैटल। और पीछे शायद से कंस्ट्रक्शन की भी नॉइज आ रही होगी, यहाँ पे काम चल रहा है पता नहीं पड़ोसियों का। का वैम्पायर और चार्ज हो गया, एक और भी से करना पड़ेगा या नहीं हो पाया, एक और भी से टाइम कर दो सब,
इसका चौथा स्लग भी चार्ज होने वाला है, जिसका नाम मैं भूल गया, क्या था याद नहीं। ये अपने आपको खुद अपने वैम्पायर से मार देगा। मैं बस वेट कर रहा हूँ खुद को अपने वैम्पायर से मारे। एक और बैटल डन, अब तीसरी बैटल। इसके बाद दो दो हीलर है, एक बूंदा का बूंद, तो इसको शायद से सबको पूरा चार्ज करके ही शूट करना पड़ेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो इसको, वरना ये दोबारा से जल्दी अपने आप को हील कर लेगा। टीजर लिंक तो हो चुका है चार्ज, एक्वा वीक चाहिए अभी। और गलत भेज दिया मैंने, इसने बुबला दिया था, मैं गलती से क्लिक कर दिया उससे एक्वा वीक के आइकन पर। फॉस्को को भेजते हैं, शील्ड आ गई है इसके पीछे, टीजर लिंक एक्वा वीक, टेज लिंक दोबारा और एक और एक्वा वीक। थाउजेंड से कम एचपी हो, थाउजेंड से कम हो गया, कम से कम एच पी है मेरी। अब ध्यान से खेलना पड़ेगा, इसलिए मैं कमेंट्री कम करूँगा। क्रॉसफायर को चार्ज करके रखते हैं डिफेंस के लिए। लेट हो गया नहीं सेंड करने में, भेजना पड़ा वरना पता नहीं काउंटर नहीं होता या नहीं, या फिर उस पर चार्ज ही होता, कल से उस पर क्लिक हो गया होगा मेरे से। उसका गूंडॉक भी आने वाला है, बूंडॉक भी आएगा अभी इसका। ये बैटल बहुत लंबी हो रही है, देखो अभी उसकी हेल्थ वापस फुल हो गई। स्पैम नहीं कर सकता हूँ शायद से, लगता नहीं कि पूरा चार्ज करने का वेट करूँगा तब तो वो वापस हील हो जाएगा शायद से, गलत आइडिया रहा वो। एक और बिग चार्ज हो गया, हो गया। टीजन ने काउंटर कर दिया एम्पर लिंक को,
ये पार्ट पता नहीं कितनी लंबी चलेगी। काम करता था टेज नहीं शायद से मर जाइए मजा डिफीट हो जाए मरेगा तुम्हें शूट कैसे हो गया वो कोई शूट वो लग कैसे गया वैसे मैंने डिफेंस तो करी थी शायद से आई शील्ड से यहाँ अभी ज़्यादा जा सकते हैं एक और टेबल चाहिए मुझको अब हो गया ये शायद ख़त्म जो बहुत लंबी बैटल थी ये एंड मैं ऑब्वियसली नहीं जीता एक और बैटल अपोनेंट के पास है अटैक में ब्लू वैन बूम स्पाइक और परफेक्ट में इसका भी नाम भूल गया दोबारा ये चौथी बैटल है शायद से इसके बाद एक बैटल और करनी है फिर तीन बॉस बैटल और है क्लॉस क्रॉलर हो चुका है शायद से हाँ हो गया फिर टेजन भी हो गया इसके बाद चार्ज एक लास्ट बैटल और लास्ट ड्यूअल मेरा मतलब डबल ठगलेट ठगलेट कुछ नहीं रहेगा मुझे लगता है पिछली वाली वीडियो में मैंने खुद यूज़ करा था ठगलेट उसने कुछ ज़्यादा एनर्जी ड्रेन नहीं करी तो फिर रेस्क्यू लेना एक डिफेंड ही तो करना है ठगलेट को बस बस फॉर डिफेंस
ये हो गया और टेबल में चार्ज। एक और भी को भी शूट कर देते हैं। लेट हो गया। को भेज देते हैं डिफेंस शील्ड भी आ गई। हो गए ये खत्म हो गए इतने सारे अटैक से। दो स्लग की जरूरत थी बस, इतना से करने की जरूरत नहीं थी। अब तीन बॉस बैटल पर, उससे पहले जो सिल्वर चेस्ट है ये पहले खोल के देखेंगे इसमें क्या मिलता है। गोल्ड 10 जेम्स, पेंडेंगो का वुड, एक्वाफ्रिक, फ्लैक्वरेंकल्स और एक नई स्किन ग्लासेस। यहाँ भी बॉस बैटल ही आ गया इससे ही। और तुम लोगों से ये पूछना था कि जो तुम आर्म शर्ट को ब्लू कलर में लेते हो या फिर येलो में, कमेंट में बताना। इसके जो ये ऐसे जब लगते हैं ये वाले जो स्लग हैं या फिर लग तो बो नहीं सकते ऐसे, इनको कीड़े बोल सकते कीड़े। ये जब लगते तो बहुत डैमेज करते हैं ये, जैसे अभी मेरी आधी हेल्थ खत्म कर दी। आधी के अब थर्ड आधी से तो बहुत ज़्यादा कम कर दी हेल्थ इन्होंने। बस ये देखना ये लगे नहीं, ये अटैक जब अगर कर भी रहे तो डैमेज ना करेगी इस वक्त। क्रॉस को बहुत काम आने वाला है इस बॉस बैटल में। क्रॉस को की जरूरत है, बहुत जल्दी बच गया। क्लॉस कॉल थी बहुत, क्लॉस का चार्ज हो गया बस। ये लग जाएगा ना ना, मुझे नहीं लगता ये जीत पाएंगे वाली जगह। 10 HP पे लास्ट में उस एसिड वाले ये एक टाइल ने डैमेज कर दिया, तो फिर ये पिछली बार रेड टीम की तरह 8 में से इसको नहीं कर पाई ये ब्लू टीम, पर शायद से अगली दो बॉस बैटल जीत जाएं। और जो अगली बॉस बैटल होगी वो भी सेम ही होगी एसिड वाली, तो लगता नहीं कि 7 पॉइंट स्कोर हो पाएंगे। इसलिए पता चला कि उस अगली बैटल से कि क्रॉस का बहुत यूजफुल होगा इस बैटल में। एक और भी सेंड कर देते हैं, जल्दी में सेंड कर दिया, मुझे लेवल 2 वाला भेजना था। वो भी हर्ट कर रहा है। क्रॉस कर के टाइम
नहीं हो पाया ये वाला भी, ये भी हार गए दोबारा। अगर तीसरी भी यही वाली बॉस बैटल हुई तो ऑब्वियसली 5 पॉइंट के साथ ही हो पाएगा। कि मुझे लगता है ना कि इस टीम के साथ ये एसिड वाले मॉन्स्टर से हम आगे बढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स वही है, अब ट्राई करता हूँ कि ये हार भी जाएगा इस टीम से, डिफीट भी कर पाएंगे इसे इस टीम से। वो मुश्किल ही लग रहा है। चल गया, शील्ड बना दी फर्स्ट कोर की, एक पीछे से देखते हैं और एक और देख देते हैं। मुझे लगा ये ग्लिच हो गए, सेंड ही नहीं कर रहा कुछ। हाँ ये डैमेज करेगा, ये करेगा। वो भी तो जल्दी से में वो स्टन हो रहा, तो स्टन होने के बाद ढेर सारे स्लग भेज देते हैं। एक बार स्टन हो जाइए टेजरिंग से। लग रहा है मुझे बार बार टेजरिंग को स्पैम करना पड़ेगा जिससे ये स्टन नहीं होता रहे और जो स्लग है वो शूट ना कर पाए। शायद यही प्लान हो जाता वो, अगर पिछली बार भी ये प्लान करता तो। हो गया ये खत्म, ये कैसे खत्म? हाँ 3 ट्राई में से 1 ट्राई में ये वाला बॉस इस टीम से खत्म हो पाया। तो फाइनल स्कोर इस ब्लू टीम का हुआ 8 out of 6, 6 out of 8 जो भी कह सकते हो। पर या आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो पे जो होगा येलो या ग्रीन में से किसी एक कलर का तो हो ही सकता है। तो तब तक के लिए तब मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 金钱看齐墙上写着，琴相连的三十二岁了，装个当朝，驸马郎的齐君王啊，满皇上的回儿，岁了装个当朝，金钱看齐墙上写着，琴相连的三十二岁了，装个当朝，驸马郎的齐君王啊，满皇上的回儿，岁了装。